नाम? अशोक गहलोत के रिपीट होगी सरकार। मैडम प्लीज, मैडम अशोक गहलोत के रिपीट होगी सरकार। मैडम प्लीज, जरा चेहरा तो देखिए। महारानी जी हमारे रिपोर्टर के सवाल पर गुस्से से तमतमा उठी। भाई अब सवाल ही ऐसा था, हाँ अगर ये पूछा जाता कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी तो शायद वसुंधरा जी खुशी खुशी इस सवाल का जवाब देती और कहती कि बेशक हमारी ही सरकार आएगी। लेकिन जैसे ही गहलोत साहब का नाम सुना तो महारानी जी ने अजीब समूह बना लिया और जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ गयी। मैडम अशोक गहलोत के रिपीट होगी सरकार। मैडम प्लीज, मैडम अशोक गहलोत के रिपीट होगी सरकार। मैडम प्लीज, दरअसल प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मेवाड़ में अपनी धार्मिक यात्रा के बहाने अपने समर्थकों और विरोधियों दोनों को ये बता रही हैं कि भले ही पार्टी ने उनकी थोड़ी अनदेखी की है लेकिन देखिए जनता के बीच आज भी उनकी हनक बरकरार है। महारानी जहां भी मंच लगा लेती हैं, वहां भीड़ खुद ब खुद पहुंच जाती है। राजसमंद पहुंची वसुंधरा राजे ने भगवान चारभुजानाथ जी के दर्शन किए और बातों ही बातों में ये बता दिया कि राजस्थान बीजेपी में कोई कितने भी हाथ पांव क्यों न मार ले, लेकिन वो महारानी की जगह कभी नहीं ले सकता। और राजमाता साहब ने भी बार बार मेरे को यही समझाया कि 36 के 36 कौम को साथ लेके चलने की जरूरत है, बीच में खाई नहीं आनी चाहिए, एक दूसरे से कोई अलग नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो किसी भी जात का है चाहे वो किसी भी मजहब का है, वो हमारे परिवार का है और इस परिवार को अगर हम मजबूत बनाएंगे तो कोई ऐसा एक अकेला परिवार नहीं है, जो एक व्यक्ति नहीं है जो अपने पैर पे खड़ा होकर आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोई परिवर्तन यात्रा नहीं है, कुछ नहीं है, सब परिवर्तन जो होना था वो सब अपना हो गया। इतना ध्यान अपने को रखना है कि ये सब लोगों के बीच में जाना, बैठकें करना, सब लोगों के परिवारों से मिलना और देव दर्शन करना, ये इसके लिए आप और हम सब बाहर निकले हैं। पर साथ साथ मैं ये कहूंगी, परचम फहरेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा, इतना याद रखना। खैर वसुंधरा राजे की इस धार्मिक यात्रा से कांग्रेस को भले ही कोई खास फर्क नहीं पड़ता हो लेकिन राजस्थान बीजेपी में राजे विरोधी खेमे के नेता मसलन सतीश पूनिया, कटारिया और गजेंद्र सिंह शेखावत सरीखे नेताओं की नींद जरूर उड़ गई है, क्योंकि महारानी को उड़न खटोले में उड़ता देख अब विरोधियों को टेंशन होने लगी है। फिर चाहे वो बाहर वाले हों या फिर अंदर वाले ही क्यों ना हो। राजस्थान तक के लिए राजसमंद से देवी सिंह की रिपोर्ट।